बुरहानपुर में नए साल पर कांग्रेस ने संकल्प रैली निकाली। नए वर्ष के प्रारंभ के साथ ही बुरहानपुर कांग्रेस पार्टी ने संकल्प रैली निकाली और प्रदेश में फिर से कांग्रेस की सरकार बनाने का संकल्प लिया। बुरहानपुर कांग्रेस ने इकबाल चौक से गांधी चौक तक संकल्प रैली निकाली। रैली में शहर कांग्रेस अध्यक्ष अजय रघुवंशी, कांग्रेस प्रवक्ता शेख रुखतम, नगर निगम उपनेता प्रतिपक्ष उबेद शेख, नगर निगम पूर्व अध्यक्ष गौरी शर्मा ने रैली को संबोधित कर प्रदेश में बीजेपी सरकार को बदल कर मध्य प्रदेश में कमलनाथ के नेतृत्व में नई सरकार बनाने का संकल्प दोहराया। रैली का समापन गांधी चौक पर हुआ। यहां पर कांग्रेस नेताओं ने बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार, अपराध पर प्रदेश सरकार को घेरा। रैली में शहर कांग्रेस अध्यक्ष अजय रघुवंशी, किशोर महाजन, मुकेश महाजन, शब्बीर खान, आशीष भगत, निर्मला जामुनका, जाकिर परिवन, दिलीप तायड़े, रफीक गुल मोहम्मद, अब्दुल्ला नजीर अंसारी, राजेश कोरवला, अखिल ओलिया सहित सभी पार्षद एनएसयूआई कांग्रेस के कार्यकर्ता मौजूद थे। अत्याचार, किसानों को उपज के दाम नहीं, किसानों पर भारी अत्याचार और किसानों को कर्ज में डुबाकर इस प्रकार से मध्य प्रदेश की सरकार ने जनता को, आम जन को परेशान किया है, चाहे संविदा कर्मी हो चाहे आम जनता हो। तो आज हम सब कांग्रेस जन ने नए साल नई सरकार, नया साल कमलनाथ सरकार के साथ आज से हमने संकल्प लिया है कि हम सब इस 10 महीनों में इस भाजपा की निकम्मी सरकार को, जिसने मध्य प्रदेश को विकास से अवरुद्ध किया है।